आपको शायद मेरा एक बहुत हमेशा से मानना रहा है कि अगर इंसान दूर तक देख सकता है और दूर तक सोच सकता है एंड ट्रैवल करते हुए हमको मौका मिलता है कि हम ऐसी जगह जा सके जहाँ हम दूर तक देख सकते हैं। अक्सर हमारे सामने एक बिल्डिंग होती है, गाड़ी होती है, कोई लोग खड़े होते हैं, कुछ लोग, यू नो, वी डोंट गेट टू सी दूर तक, वी डोंट गेट टू सी डिस्टेंस। और आई थिंक आई क्रेव टू सी डिस्टेंस। अगर मैं कहीं ऐसी जगह खड़ा हूँ किसी पहाड़ के ऊपर, तो मैं दूर तक देखना चाहता हूँ। एंड जस्ट काइंड ऑफ ओपन्स अप माई माइंड इन सो मेनी वेज टू थिंक एंड इमेजिन थिंग्स। या आई एम अ ट्रैवलर बाय हार्ट, एब्सोल्युटली। एंड आई थिंक ऑल ऑफ अस हू मेड द वीडियो, वी वर ऑल रियली रियली क्रेजी फॉर ट्रैवलिंग, इसलिए इतना मजा उसमें आ रहा है वीडियो में सबको देख करके, इंक्लूडिंग द डायरेक्टर ऑफ द वीडियो, ही ट्रैवल्स सो मच मोर देन अस एक्चुअली। हेलो सर, दिस इज विनय। मेरा सवाल जुबिन सर आपसे कि आपने काफी अमेजिंग अमेजिंग सॉन्ग्स दिए हुए हैं, काफी लोगों को खुश कर देते हो, काफी लोगों को इमोशनल कर देते हो, तो ऑडियंस से रिस्पॉन्सेज मिलने के बाद किस थिंकिंग को लेके आप अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे जाते हो? यार, ऑडियंस का रिस्पॉन्स मेरे लिए बहुत ही बहुत जरूरी होता है, क्योंकि क्या होता है, कितनी बार ऐसा नहीं कि हमने जितने गाने निकाले सारे अच्छे गाने थे, कुछ गाने ऐसे थे जो नहीं पसंद आए जनता को, ऐसा हर बार होता है, काफ़ी बार होता है। कुछ फेलियर्स होते हैं, कुछ सक्सेस होती है, तो जो फेलियर्स हैं उनसे ऊपर आने के लिए करेक्ट क्रिटिसिज्म जो है जनता देती है, जो राइट रिव्यू होता है ना, क्योंकि जो बंदा आपके यूट्यूब के नीचे, आपके कमेंट्स में, आपके फॉलो करके आपको लिख रहा है, वो पर्सनली आपको जानता नहीं, आपके दोस्त हैं, आपके परिवार वाले तो बोलते हैं, अरे बेटा बहुत बढ़िया, कितना बढ़िया गाना बनाया तुमने, जनता बोल रही है कितना बेकार गाना है, बट घर वाले प्यार करते हैं आपसे, तो बोलेंगे हाँ अच्छा गाना बनाया। बट आई थिंक जनता का जो एक्चुअल रिव्यू आता है उससे हमें पता लगता है कि किस तरह से हमारा संगीत